नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। चिरिया स्थित दुर्गा मंदिर चौक के पास धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस धरना का नेतृत्व जवाहर प्रसाद यादव ने किया। इस धरना प्रदर्शन में सभी लोगों का मुख्य रूप से मांग थी कि जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव को नीतीश सरकार अविलंब रिहा करें। धरना में प्रवक्ताओं दोबारा नीतीश सरकार और भाजपा पर आरोप लगाया कि पप्पू यादव ने भाजपा के संसद के घर पर एम्बुलेंस घोटाले का उजागर किया, तो भाजपा के नेतागण नीतीश कुमार पर दबाव बनाकर जरूरतमंदों को दबाए, ऑक्सीजन और खाना उपलब्ध करा रहे पप्पू यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजवा दिया। पप्पू यादव ने असहाय लोग को ऑक्सीजन दवाई सह समय एक पैर पर खड़े होकर पहुँचाया। इस निकम में सरकार और सरकार के विधायक अपने घर में बैठे थे। पप्पू यादव के कार्य से नीतीश और भाजपा की डबल इंजन की सरकार का अस्तित्व खतरे में दिखने लगी। अपने सरकार पर पर्दा डालने के लिए पप्पू यादव को एक साजिश तहत जेल में डाल दिया गया। अब जनता को कोई मदद नहीं पहुंचे और सरकार की बदनामी ना हो। जैसे ही एम्बुलेंस प्रक्रिया का उजागर किया, पप्पू यादव ने भाजपा की बहुत तंग गई पप्पू यादव पर। धरना प्रदर्शन में एक स्वर से सभी नेतागण ने कहा कि नीतीश सरकार पप्पू यादव को जल्द से जल्द रिहा नहीं करती है तो हम लोग हर एक प्रखंड और जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को मजबूर करके पप्पू यादव को जेल से निकलवा लेंगे। रिपोर्ट सनोज कुमार चिरया, मोतिहारी, बिहार। आग्रह करूंगा कि पप्पू यादव जी को जेल से रिहा किया जाए ताकि कोरोना महामारी से मैं गरीब बिहार के गरीबों को नहीं पूरे देश के गरीबों को सहायता मिले। पूर्व प्रखंड अध्यक्ष जवाहर प्रसाद यादव, चिरया विधानसभा, चिरया प्रखंड के, यही हम कहना चाहते हैं कि जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव को रिहा किया जाए। और पप्पू यादव के ऐसा लोग कार्य करने वाला कोई नेता नहीं है। राजीव प्रताप रूढ़ी का एम्बुलेंस का जो छापामारी किया गया, उस विरोध में जो है पप्पू यादव को जेल में डाल दिया गया। आज पप्पू यादव को जेल में जाने के बाद एक भी कोई नेता नजर नहीं आ रहा है कि ऑक्सीजन की व्यवस्था करे, सैनिटाइजर की व्यवस्था करे, या दवा का व्यवस्था करे, या हॉस्पिटल ले जाए और किसी भी पब्लिक को जो है देख सुन करे। इतना अच्छा नेता को जो है जेल में डाल दिया गया है। पप्पू यादव को रिहा किया जाए, जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अगर पप्पू यादव को रिहा नहीं किया गया तो हम लोग जिला से लेके प्रखंड मुख्यालय से लेके और पंचायत स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे और अनशन करेंगे और इस आवाज़ को बुलंद उठाएंगे, इस आवाज़ को बुलंद करेंगे। यही मेरा कहना है और पूरा साथियों से, पत्रकार बंधुओं से, मीडिया भाइयों से यही कहना है कि पप्पू यादव को रिहा किया जाए। बस चिरिया प्रखंड अध्यक्ष चांसी राम, मैं ये कहना चाहता हूँ जब के नेता श्री पप्पू यादव जी का रिहा करने के लिए मैं बिहार सरकार से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अगर पप्पू यादव का अगर रिहा नहीं करेगा तो जिला से लेकर और मुख्यालय तक, प्रखंड तक हम लोग रोड जाम करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। इसलिए मैं भीम आर्मी में चिरिया प्रखंड अध्यक्ष चांसी राम द्वारा मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि पप्पू यादव बिहार का बेटा नहीं है, बिहार का नेता नहीं है, बिहार का बेटा है, बिहार का सेवक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ पप्पू यादव के बारे में, नीतीश कुमार जी आप होश में आ जाइए। ऐसा इंसान व्यक्ति के आप जेल में बंद करके रखे हुए हैं। चोर आदमी प्रताप सिंह रोड़ी एम्बुलेंस चुरा कर रोड पर घूम रहा है, इंसान आदमी को आप जेल में बंद किए हुए हैं। आप होश में आ जाइए। आपको शौक सिखाने के लिए भीम आर्मी चिरिया प्रखंड अध्यक्ष।